जिसके लिए मैंने 6 मीडियम साइज़ के प्याज फ्राई कर लिए हैं और मैंने ये इनको क्रिस्पी फ्राई किया है। वैसे तो प्याज सबको फ्राई करने आते हैं क्रिस्पी, लेकिन अगर किसी को नहीं करने आते तो मैंने प्रॉन्स बिरयानी बनाई थी उसमें मैंने आपको क्रिस्पी प्याज फ्राई करना सिखाए थे, तो आप उस वीडियो में देख लेना कि किस तरह से मैं प्याज क्रिस्पी करती हूँ। ये है मेरे पास लहसुन ऑलमोस्ट 10 से 12 क्लोव्स, 4 मीडियम साइज़ की टोमेटो है मेरे पास और जिंजर 1 टेबलस्पून भुजेगा पीसने के बाद। चिकन में मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून सॉल्ट, आधा सॉल्ट मैं डालूंगी चिकन में और आधा सॉल्ट मैं डालूंगी चावलों में, मतलब अभी 1 टेबलस्पून डालूंगी चिकन में और बाकी जो सॉल्ट है वो मैं डालूंगी चावलों में। 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1.5 टेबलस्पून चिली पाउडर एंड 1.5 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर। आप अपनी मर्जी से मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और डालूंगी मैं दही 1 कप फेंट कर बीट और टोमेटो पेस्ट 1 टेबलस्पून। ब्लेंडर में मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन और ये टमाटर चॉप करके। ब्लेंडर में मैंने डाल दिए 1 कप पानी, आप 1 कप पानी डालें या जितनी आपको ज़रूरत है उतना पानी डालें, बस आपने इतना पानी डालना जिसमें आपकी सारी चीज़ें अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। सारी चीज़ों को कर लिया मैंने ब्लेंड। चिकन है मेरे पास 2 केजी जिसको मैंने वॉश कर लिया, और ऑयल लेंगे आप 1/2 कप या एज रिक्वायर्ड आपके चावलों की क्वांटिटी के लिहाज से। सबसे पहले मैं डालूंगी लहसुन अदरक और टमाटर की पेस्ट और इसको मैं 3 से 4 मिनट कुक करूंगी, और इसमें मैं डाल दूंगी नमक और लाल मिर्चें, इसमें मैं डाल दूंगी सॉल्ट और रेड चिली पाउडर। हाफ टी स्पून डालूंगी मैं इसमें हल्दी। इन सब चीजों को कर लेती हूँ मैं मिक्स। प्याज लहसुन हो रहा है हमारा कुक, इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिकन। और चिकन को मैं इसके साथ ही भून लूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप ऑयल, आप 1/2 कप डालेंगे या एज रिक्वायर्ड। अब इन सारी चीज़ों को मैं 5 से 10 मिनट अच्छी तरह भून लूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जो चिकन है हमारी उसको मैंने भून लिया, इसमें मैं डाल दूंगी दही। दही मैंने लिया 7 से 8 टेबलस्पून भरकर और उसको अच्छी तरह से बीट कर दिया, और इसको मैं डाल दूंगी ये सूखा पत्ता, सूखा धनिया, और इसमें मैं सारे मसाले डाल दूंगी, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखे धनिया का पाउडर और गरम मसाला इसमें मैंने डाल दिया, और अब मैं इन सारी चीज़ों को करती हूँ मिक्स। जब आप दही डाल दें तो आपने दही डाल के चिकन की भुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी है ताकि जो ये चिकन का वाइट कलर है ये ख़त्म हो जाए। प्याज जिनको मैंने फ्राई किया हुआ था उसको मैं कर लूँगी क्रश। ये देखें प्याज क्रिस्पी होने की वजह से कितने इजीली क्रश हो रहे हैं। इनको भी मैं डाल दूँगी चिकन में।
प्याज डाल दी मैंने चिकन में, और चिकन में मैं डाली, चिकन में मैंने डाली है 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट, और इन सारी चीज़ों को कर लेती हूँ मैं मिक्स। तो टोमेटो पेस्ट है ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप नहीं डालना। चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया, अब इसको मैं 5 से 10 मिनट रखूँगी स्टीम में स्लो फ्लेम पर, ताकि जो चिकन है हमारी अच्छी तरह कुक हो जाए। चावलों का पानी मैंने रख दिया बॉईल करने के लिए, उसमें मैं डालूंगी कुछ पुदीने के पत्ते, ये हैं तकरीबन 10 से 12 पत्ते, 1/2 टीस्पून साबुत काले मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और 3 इलायची, ग्रीन इलायची जो है वो डालूंगी, और ऑयल आप डालेंगे 5 से 6 टेबलस्पून, ताकि जो आपके चावल हैं वो चिपके नहीं। 1 किलो चावल है मेरे पास जिनको मैंने 2 आवर्स के लिए सोक किया था। चावलों का पानी हो गया बॉयल, इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, इसमें मैं डाल रही हूँ ये सारे साबुत मसाले, और इसमें मैं डालूंगी 1 तो आपके बिरयानी के चावल होते हैं आपने उनको फुल डन नहीं करना, आपने उनको 3rd-4th डन करना है, मतलब इजी वर्ड्स में जो आपके चावल हैं आपने उनको 95% कुक करना है और 5% कुक नहीं करना। चावल हो रहे हैं हमारे बॉयल, बिरयानी की तहों में डालने के लिए मैंने लिया फ्राई प्याज, क्योंकि मैंने आधा चिकन में डाला था और आधा मैंने तहों में डालने के लिए रखा था। 7 to 8 लेमन स्लाइसेस, 1 टेबलस्पून पुदीना, 1 टेबलस्पून धनिया, और 2 हरी मिर्चें जिनको मैंने चॉप कर लिया। यह मैंने लिया नीम गर्म दूध, और इसमें मैंने डाल दिया ज़ाफ़रान, अगर आप ज़ाफ़रान नहीं डालना चाहते तो आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। ज़ाफ़रान और दूध को कर लिया मैंने मिक्स, अब मैं आपको बिरयानी के तहें लगाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले डालूंगी मैं चावल, इसके ऊपर मैं डालूंगी चिकन, चावलों के ऊपर मैं डाल रही हूँ चिकन, चिकन के ऊपर मैं डाल रही हूँ धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, और ये लेमन स्लाइसेस, इसके ऊपर मैं दोबारा से डालूंगी चावल, आप चावल देख सकते हैं कि सब चावलों के दाने कैसे अलग अलग है, कोई भी चावल टूटा नहीं है। अब चावलों के ऊपर मैं दोबारा से डालूंगी चिकन, ऊपर मैं डालूंगी फ्राई प्याज, अगेन धनिया,
पुदीना, लेमन और इसमें मैं डाल दूंगी अब ज़ाफ़रान। अब चावलों को लगाने लगी हूँ मैं दम। मैं चावलों के ऊपर फॉइल पेपर रख रही हूँ और इसके ऊपर मैं रखूंगी ढक्कन ताकि जो चावलों की स्टीम है वो बाहर नहीं निकले। अब मैं चावलों को 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे दम पे रखूंगी, उसके बाद मैं आपको बिरयानी डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिरयानी को लग चुका है हमारी दम। मैं इसको कर लेती हूँ मिक्स। बिरयानी को मैंने डिश आउट कर लिया, आपकी मज़ेदार बिरयानी रेडी है। मैंने इसके ऊपर जो गार्निश की है वो बॉयल एग की हैं। बिरयानी के ऊपर बॉयल एग बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी ईजी और डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।